संक्रमित टीबी अगर परिवार में किसी एक सदस्य को हो तो बाकी सभी सदस्यों और खासकर बच्चों को इसके होने की आशंका बढ़ जाती है, जैसे कि सुजीत और उसके परिवार में भी हुआ। आइए जानते हैं उनकी कहानी। और सुजीत कैसे हो? बस बढ़िया सर। ये एक्चुअली बात पूछना था, जैसे डॉक्टर साहब ने टीबी का रिकॉर्ड किए हैं, ये पूरी तरह कैसे सही हो जाएगा? टीबी का इलाज पूरा अवेलेबल है, ये ठीक होने वाली बीमारी है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, सारी दवाइयाँ हमारे पास फ्री अवेलेबल हैं, सारी जाँचें फ्री अवेलेबल हैं। आपको सिर्फ इतना करना है, जैसा हम बताएं आपने वैसे दवाई खानी है। बलगम अगर आपको आती है तो आपने जाके बाथरूम में थूकना, ऊपर से पानी डाल देना है, और जब भी जो है छींकते और खांसते हो मुँह पे कपड़ा लगा के रखना है। सर ये परिवार में तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना? सुजीत घर में किसी को दिक्कत नहीं होगी, बाकी हम आपके घर पे आएंगे, आपके घर पे आपके फैमिली वालों को समझाएंगे किस तरह से आपके साथ वो रहेंगे। ठीक है, और घर में किसी और को दिक्कत होगी तो उसकी हम देखेंगे, जैसे स्पेशली आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो हमने उन छोटे बच्चों को जरूर देखना है कि उनमें किसी को दिक्कत तो नहीं है। सर जैसे आप आओगे, आस पड़ोस में लोग होंगे, मैं भी शायद ना मिलूँ। सुजीत नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी रहें चाहे ना रहें, हम आराम से आएंगे, किसी को पता ही नहीं लगेगा, फैमिली मेम्बर की तरह आएंगे। और आप चाहे ना भी मिलो तो आपके घर पे जो आपकी मिसेज मिलेंगी और उन बच्चों से मिलकर उनको बात कर आप उनको समझा के हम वापस आ जाएंगे। कल सुजीत जी आए थे, आपको पता उन्हें क्या परेशानी है? हाँ, उनको टीबी हो गया। आपको तो कोई तकलीफ नहीं है ना? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आपके घर में और कितने मेंबर हैं आपके अलावा? हाँ, मैं हूँ, सुजीत है, और ये 4 साल के है और एक 5 साल के है, अभी है नहीं, खेलने गई है वो। बच्चों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, बच्चों का तो नहीं है, लेकिन इसका थोड़ा खाना पीना थोड़ा कम हो गया पहले से। नहीं, सिम्टम ऐसे क्योंकि बच्चों में जो है अगर पल्मोनरी टीबी है तो खांसी और बुखार से पता लग सकता है, अगर पल्मोनरी टीबी नहीं है तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। सुप्रभा अपने बच्चों को लेकर आज मेरे पास आई थी, वो बहुत चिंतित थी। पिछले कुछ दिनों से उसने देखा कि उसकी छोटी बेटी प्रियांजलि बहुत थकी सी रहती है, चिड़चिड़ी हो गई है, खाना कम खाती है और उसका वज़न भी कुछ कम हो रहा है। इस वजह से उसको वो हमारे पास लेके आई। मुझे एक बात कहनी बहुत ज़रूरी है कि जब भी किसी परिवार में किसी को छाती की टीबी, लंग्स की टीबी होती है जो कि इन्फेक्शियस है, तो उस परिवार के सब लोगों में ये पता करना कि किसी को टीबी के लक्षण तो नहीं है बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक सांक्रमिक रोग है और एक से दूसरे को लग सकता है। और जो इससे बड़ी है थोड़ा 5 साल के, उसको तो है नहीं कुछ सिम्टम वगैरह। कई बार ऐसा होता है कि अभी आपको टीबी के सिम्टम नहीं लग रहे, लेकिन महीने दो महीने बाद वो सिम्टम डेवलप हो जाएंगे, तो उन उसके लिए आपको डॉक्टर दिखाना पड़ेगा। ठीक है जी। सुप्रभा अपने साथ एक और बच्चे को लेके आई थी जो कि प्रियांजलि की 5 साल की बहन है, शशि। शशि को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी, वो ठीक से खा पी रही है, उसको कोई बुखार खांसी कुछ भी नहीं है। और जब हमने उसको पूरी तरह से चेक किया, वो संपूर्ण रूप से रिष्ट-पुष्ट थी, उसको कोई बीमारी के कोई लक्षण नहीं थे। तो मैंने सुप्रभा को बताया कि हमको शशि को भी कुछ दवाई देनी पड़ेगी। इस संदर्भ में ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो छोटे बच्चे 6 साल से कम उम्र के किसी भी संक्रमित टीबी के मरीज के साथ रहते हैं, खासकर घर में, जैसे यहाँ उनके पिता को टीबी थी, तो उनको ये संक्रमण लगने का एक बहुत बड़ा चांस होता है। हर बच्चा जिसको ये संक्रमण, या बड़ा जिसको ये संक्रमण लगता है, उसको ये ज़रूरी नहीं है कि बीमारी हो। तो मैंने सुप्रभा को समझाया कि हमें शशि को INH की दवाई 6 महीने तक देनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक अकेली दवाई है, ये काफ़ी सेफ़ है, इससे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और बच्चे इसको आराम से ले पाते हैं, और 6 महीने तक इसको लेने के बाद कम से कम इस संक्रमण से टीबी की बीमारी बनने के चांसेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कहते हैं। स्पेशली जिस घर में टीबी फैलाने वाली टीबी जिसको होती है, उस घर में हम 6 साल से छोटे बच्चे का, कितने भी घर 6 साल से छोटे बच्चे, सबकी हम जांच करानी अनिवार्य है। और उन उसमें जांच कराने के बाद अगर किसी को टीबी निकलती है बच्चे को, तो हम उसकी टीबी की दवाई शुरू कर देते हैं। अगर टीबी नहीं भी निकलती है तो हम उसे प्रिवेंटिव थेरेपी देते हैं।